हॉकर्स के संदर्भ में हाईकोर्ट की ओर से विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा दायर करने के आदेश दिए गए थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का लेखा जोखा रखा गया, जिसमें मनपा की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को मंजूरी देने तक वैकल्पिक नीति को लागू रखा जा रहा है, जिसके अनुसार यदि अवैध हॉकर्स का दूसरी बार सामान जब्त किया जाता है तो हॉकर्स को जब्त सामान वापस नहीं दिया। मनपा की ओर से रखी गई जानकारी पर संतोष जताते हुए न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश MW जानवानी ने अवैध हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आदेश मनपा को दिए। शुक्रवार को नागपुर शनिचरा बाजार दुकानदार संघ के शिवदास कबरे की ओर से मध्यस्थता अर्जी दायर की गई, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने स्वीकृत कर संघ को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के आदेश दिए। कैमरा पर्सन राजकुमार वोहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।